नमस्ते आप सभी को। आज मेरे घर पे लीला होबल से मिस्टर अमित जी आए हैं और आई एम रियली फीलिंग लकी कि वो आज मेरे घर पे आए हैं और मुझे वो आज रेसिपी बताने वाले हैं, और वो भी ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं जो मैं सोप मेकिंग गैस पे हम कैसे उसको मेल्ट करके बना सकते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। हालांकि काफी सारे लोग जो है हमारे फॉलोअर्स हैं, काफी सारे कॉल्स आते रहते हैं, काफी सारी रिक्वेस्ट आती रहती है कि घर बैठे हम लोग सोप गैस के ऊपर कैसे बनाएं, क्योंकि हम डबल बॉयलर्स का यूज करते हैं, डायरेक्टली गैस के ऊपर हम कैसे बनाएं, लोगों की रिक्वेस्ट होती है। तो मैं स्पेशली जो है आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, मतलब एक आपको बना के लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कैसे ये सोप मेकिंग प्रोसेस होता है, होममेड सोप होता क्या है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कैसे आप छोटे पैमाने से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। सो प्लीज अंत तक देखिए ये वीडियो को कि किस तरीके से हम जो है सोप मेकिंग कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं किचन की ओर, देखते हैं सोप मेकिंग प्रोसेस। जी चलिए। यहाँ पे हमने सारी सामग्री रेडी रखी है, हमने काफी सारे मोल्ड जो है जो इन्होंने लिए थे, इसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं मोल्ड्स, और इसके लिए हमने ले लिए हैं सारे सोप बेस। ये जो लीला के सोप्स हैं, जो ये सारे सोप्स बेस ले लिए हैं। हालांकि हमारे पास में है प्लेन के जो सोप्स हैं, जो ये ट्रांसपेरेंट सोप्स है और गोट मिल्क सोप्स है, ये हमने ले लिए हैं गोट मिल्क सोप्स है। और हमको डेकोरेशन के लिए हमने ड्राई फ्लावर्स ले लिए हैं, और ये ग्लिटर्स भी जो है हमने डेकोरेशंस के लिए ग्लिटर ले लिया है। ठीक है, तो इतनी सामग्री हमने ले चुके हैं और हमारे पास है ये एल्यूमिनियम का कंटेनर। बिल्कुल ही ये जो है पोर्शन फ्लैट होना चाहिए, ना कि ये यू कढ़ाई की तरह यू नहीं होना चाहिए, फ्लैट पोर्शन होना चाहिए, तो आप जो है घर बैठे जो है बना सकते हैं। दूसरी एक बात, एल्यूमिनियम का बर्तन क्यों लिया जाता है, क्यों हम लोग स्टील का बर्तन यूज नहीं करते हैं, इसका एक रीजन है। जब भी आप एल्यूमिनियम को आप हीट प्रोसेस करोगे, तो एल्यूमिनियम एक ऐसा कंटेनर होता है जहां पे पूरा जो हीट प्रोसेस है इक्वालिटी में स्प्रेड होता है, जबकि जो स्टील होता है वो नीचे का पोर्शन गर्म रहेगा, ऊपर का जो है वो ठंडा रहेगा। जब आप पोर करोगे तो जम जाता है, प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस और वेस्टेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम लोग एल्यूमिनियम का बर्तन जो है प्रोसेस में ले सकते हैं। आप छोटा कंटेनर ले सकते हो अगर जो आपके पास में प्रोडक्ट कम बनाना हो, बड़ा कंटेनर ले सकते हो, और फास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप कर सकते हो घर बैठे विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। आप जो है फटाफट अपने प्रोडक्शन आप निकाल सकते हो डायरेक्ट प्रोसेस में। मैं आपको बताऊंगा लाइव किस तरीके से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये बर्तन को रख लेते हैं यहाँ पे, और मैंने यहां पे मोल्ड में सिलेक्ट करने जा रहा हूं। ओके, ये वाला मोल्ड जो है हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो है मुझे अच्छा इसके लिए लगा कि कुछ क्रिएटिविटी मैं आपको दिखा पाऊं इसके अंदर तो बेटर रहेगा, क्योंकि सिंपल सोप्स तो आपने लोगों ने देखा होगा, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी हम हट के कुछ चीजें करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग जो है रेड कलर के कुछ देंगे, फ्लावर्स वगैरह की डिजाइन हम लोग करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स हम फ्लावर्स का यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो हम लोग ये मोल्ड को रख देते हैं इधर, और सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि मैडम थोड़ा सा आप जो है इस सोप्स को कट करिए, उतना ही लीजिए जहां पे इतना डालना है। जी ओके ओके या बस इतना ही आपको लेना है। यस इतना काफी हो गया तो है। आप मुझे इसे चंक्स हाँ, में काटना है। थोड़ा सा नजदीक लाइए। हाँ तो ये पूरा चंक्स में काट लेना है। देखो ये घर पे बनाने वाली जो छुरी है उससे ही ये पूरा आसानी से कट रहा है। हम घर पे बना सकते हैं इस तरीके के सोप्स को, तो कैसे कर सकते हैं। अब मैं ये जो है गैस को आपके सामने ये शुरू कर देता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम जो है ओके okay, तो पहले स्टार्टिंग में जो है हम लोग इसको फास्ट फ्लेम में ही रखेंगे, तो थोड़ा सा इसको हीट होने देंगे। और हालांकि मेरी प्रैक्टिस तो है ही है, तो आपको जो है मैं आपको ये हाँ मैंने यहाँ पे पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। एक चीज ध्यान रखिए, आपको आपके इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं मिलाने हैं अंदर,
जब तक आपको जो है हर्बल पाउडर्स वगैरह हालांकि मिला सकते हो, लेकिन हाफ मेल्ट होने के बाद ये धीरे धीरे जो है मेल्टिंग होते जाएगा आपका ये चीजें, ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल ही जो है एक मिनट के अंदर जो है थोड़ा सा जो है वो मेल्टिंग होना शुरू हो गया है। हालांकि आपको हिलाना नहीं है, जोर जोर से कुछ भी हिलाना नहीं है, आपको खाली इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। ये मेल्टिंग आपका होते जा रहा है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ये मेल्टिंग हो रहा है। ये हम बनाने जा रहे हैं अभी रोज का सोप्स, तो इसके लिए हमने ये मोल्ड ले चुके हैं और मैं ये मोल्ड यहाँ पे रखूंगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये, मैंने अभी थोड़ा सा जो है फास्ट है तो मैं उसको स्लो कर दूंगा। ओके, बिल्कुल ही स्लो कर दिया है और अभी जरूरत नहीं है तो मैंने बंद कर दिया ये, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ही बंद हो गया है और ये सोप आपका जो है मेल्टिंग हो चुका है। दो मिनट थोड़ा सा, हाँ मैं सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे पहले नीचे की हम एक लेयर बना रहे हैं सोप्स के लिए, ताकि एक ब्यूटीफुली डिजाइन जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं कर रहा हूं। जबकि डिजाइनर शॉप बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होगा। देखिए किस तरीके से मैंने ये धीरे धीरे करके पोर कर दिया है मैंने ये चीजें। अब मैं ये सोप मेकिंग जो है के लिए बिल्कुल ही फर्स्ट लेयर का काम जो है हो गया है ये। अब हम जाएंगे सेकेंड प्रोसेस की ओर, और सेकेंडली हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फर्स्ट प्रोसेस आपका हो गया है। इसको सूखने के लिए लगभग लगभग जो है 15 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि छोटी सी लेयर है तो 15 मिनट्स में ये सूख जाएगा। सूखने के बाद में हम उसके ऊपर एक दूसरी लेयर डालेंगे। हम एक क्रिएटिविटी सोप बनाने जा रहे हैं, ट्रिपल लेयर या सेकेंड लेयर का ये सोप्स बनाएंगे, तो प्लीज वेट करिए 10 मिनट, हम फिर से आ रहे हैं आपके पास। या तो यहाँ पे बिल्कुल ही 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम देखेंगे ये 15 मिनट्स में सोप्स का क्या रिजल्ट आया है। तो देखते हैं, ये देखो कि सोप्स का जो मोल्ड है मैंने एज इट इज रखा है, ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ही सख्त हो चुका है। हालांकि मैंने मोल्ड को इस तरीके से हिलाया नहीं है ना कुछ किया है, मैंने ये मोल्ड को एज इट इज रखा है। अगर जो आप हिलाते हो तो अंदर लिक्विड चले जाता है तो ये फिनिशिंग खराब होने के चांसेस होते हैं, तो मैंने हिलाया नहीं है। हालांकि हम लोग एक सेकेंड लेयर देंगे, सेकेंड लेयर को देने के लिए मैं यहाँ पे ग्रिप दूंगा इसको, तो मैं यहाँ पे एक छोटे से मैं यहाँ पे ग्रिप देने के लिए मैं यहाँ पे हॉल कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बीच में डिजाइन है, बीच में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यहां पे मैं ग्रिप देने के लिए छोटे छोटे यहां पे छेद कर लूंगा। ये देखिए बिल्कुल ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से ये लॉजिक लगा के हम ये सोप बना रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने यहां पे ये तीसरा जो पोर्शन दिख रहा है यहां पे इतना ही डिजाइन आएगा। यहां पे हम लोग गोट मिल्क का लेयर करेंगे, यहां पे खाली फूल जो है आपको उभर के नीचे से आएगा। और ये थर्ड जो है यहां पे भी मैं ग्रिपिंग ले लेता हूं, ठीक है। अब हम जो है हमारे सेकेंड प्रोसेस की ओर जाएंगे। हालांकि ये थ्री लेयर का सोप बन रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये छोटी क्वांटिटी में बन रहा है हमारा। बड़ी क्वांटिटी में बनाते रहोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा और छोटी क्वांटिटी में उतना ही टाइम लगता है। तो मैडम आप सेकंड प्रोसेस के लिए प्लीज आप कट करिए इस सोप्स को, ठीक है, इतना ले, ठीक है, हाँ इतना आप ले लीजिए, इतने पोर्शन के लिए उतना ही काम लगेगा, ठीक है, ठीक है, आराम से कट कर लीजिए। ओके, वेरी नाइस। ओके, इसके भी क्यूब्स जैसे काटने हैं? हाँ, क्यूब्स आप काट लीजिए ताकि मेल्टिंग जो है बहुत जल्दी जल्दी होने लगे, ठीक है।
अब हाँ बिल्कुल ही, आप गैस चालू करिए, मुझे अब छुरी दे दीजिए, मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्यूब्स बना के बता रहा हूँ, ठक ठक ठक, बहुत मजा आ रहा है बनाने में। जी हाँ, ये मैं यहाँ पे बिल्कुल ही जो है छोटे से क्यूब्स एक छुरी से, घर में खाना बनाने वाली छुरी से मैंने कट कर लिया। बहुत ही आसानी से ये कट हो रहे हैं, आप देख रहे हो, ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल ही। और हालांकि हमारे जो सोप बेस है उसमें डबल बॉयलर्स की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है ऑर्गेनिक तरीके से है, तो ये डबल बॉयलर्स की जरूरत नहीं रहेगी उसको। मैंने इतना सा जो है इसके अंदर डाल दिया है, हालांकि मैं उसे बिल्कुल भी हिला नहीं रहा हूं। एक चीज दोस्तों याद रखना कि आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जोर शोर से, नहीं तो छाग ऊपर आ जाएगी। तो फिर जो है सोप जो है, मैं इसके अंदर कलर नहीं डाल रहा हूं, हालांकि आपको कलर्स डालना है, कोई अपने इंग्रेडिएंट्स डालना है तो डाल सकते हो, क्योंकि मुझे बीच का पोर्शन जो है ना व्हाइट गोट मिल्क में लेना है। मैं यहां पे उसको फ्रेग्रेंस जरूर से दूंगा, मुझे रोज नीचे लिया था और मुझे बीच में जो है स्ट्रॉबेरी की कुछ मेलोडी फ्रेग्रेंसेस चाहिए, तो मैं फ्रेग्रेंस जो है बहुत कम मात्रा में जो है वो मैं लेके, मतलब हालांकि एक किलो में 5 ml का रेशो होता है, मैं बहुत ही उससे भी कम लेके मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूं मैं अभी फिलहाल। हालांकि गैस मेरा बहुत ज्यादा फास्ट है, हालांकि आपको स्लो गैस प्रोसेस में करना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी उसमें उस हिसाब से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आप देखिए मैंने अभी तक फ्रेग्रेंस डाला नहीं है, मैंने तैयारी करके रखी हुई है यहाँ पे फ्रेग्रेंस की, डालना नहीं है इस स्टेज पे, कभी भी फ्रेग्रेंस नहीं डालना है, लेकिन आपका किचन जो है महक जाएगा, आपका सोप महकेगा नहीं, ठीक है। तो हो गया है, मैं यहां पे मैंने गैस बंद कर दिया, जैसे ही गैस बंद किया मैं उसको हिला दूंगा इस तरीके से अच्छे तरीके से, और फिर मैं यहां से जो है ठीक है, यहां से मैंने ये पकड़ चुका हूं मैं, अब मैंने ग्रिपिंग अच्छे से दे दी है हालांकि, तो यहां पे सोप्स अच्छे से मेरे सेकेंड लेयर जम गई है, ठीक है। अब मैं ये पोर्शन जो है वहां पे मैं सेकेंड लेयर जमा दूंगा, ओके, ये आ गया सेकेंड लेयर का काम जो है। हालांकि आपको एक चीज बता दूं, गोट मिल्क यूज होता है क्योंकि ये गोट मिल्क भी जो है एक सोप बेस होता है, और बीच में की लेयर वगैरह करनी हो वो बहुत खूबसूरत लुक आता है उसके लिए, और एक जो है डिजाइनर सोप्स लोगों को देखना भी पसंद होता है और यूज करना भी पसंद होता है, और हालांकि ऑर्गेनिक है बिल्कुल ही, तो आपको जो है ये सोप्स वापरने में भी बहुत मजा आएगा और फीलिंग्स भी काफी अच्छी आएगी, स्किन ग्लोइंग्स वगैरह के लिए बहुत शानदार चीजें हैं ये सब चीजें, आप यूज करिए, बहुत मजा आने वाली है ये सब चीजों के लिए। हालांकि ये मैंने सेकेंड लेयर का काम मैंने फिनिश कर चुका हूं, अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक छोटी सी क्रिएटिविटी दिखाना है। मैंने ये रोज पेटल्स लेके रखे थे, मुझे यहाँ पे एक में मैं रोज पेटल्स की जो है पूरी लेयर जो है मैं यहाँ पे बिछा देता हूं, ताकि ऊपर हम लोग ट्रांसपेरेंट की ओर जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट में पूरी की पूरी जो है लेयर जो है वो दिखाई दे। तो इस तरीके से आप नेचुरल तरीके से आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। हालांकि ये फिनिश नहीं हुआ है, आप देखो कि मैं यहाँ पे ये जो है मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ये चिटका रहा हूं मैं, ये पान के ऊपर ये जो आ गया इसको साइड में हटा दिया, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया लुक भी आएगा और एक ऑर्गेनिक तरीके से आप जो है ये चीज को प्रेजेंट कर पाओगे। ड्राई फ्लावर्स होते हैं, लवेंडर्स होते हैं, या बहुत सारे ड्राई जो है रोजेस वगैरह जो होते हैं आप यूज कर सकते हो बिल्कुल ही सोप मेकिंग के लिए, और बिल्कुल ही ऑर्गेनिक लुक भी आएगा और स्किन के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो मैं यहाँ पे सेकेंडली ये ग्लिटर है, फैंसी है, हालांकि इसका कोई यूजेस नहीं है ना कोई बेनिफिट है, लेकिन ये खाली जो है डेकोरेशन का काम करेगा और सामने वाले को जो है मतलब सॉप एक अट्रैक्टिव करेगा, तो मैं इसका भी यूज कर लेता हूं मैं। ये ग्लिटर जो है मैंने ये ग्लिटर रख दिया यहाँ पे, और एक मैं ग्लिटर लाया हूं ये, हालांकि दोनों के कॉम्बिनेशन जो है मुझे यूज करने हैं। तो ये जो है मैं बॉर्डर्स पे यूज कर रहा हूं, हालांकि पूरे सॉप्स के ऊपर मुझे यूज नहीं करना है, एक जो है गेटअप लाने के लिए मैं ये बॉर्डर जो है पूरा ग्लिटर से
भर रहा हूं मैं। हालांकि इसके ऊपर और एक लेयर आएगी, ट्रांसपेरेंट की लेयर आएगी और ये जो है बिल्कुल ही उभर के ऊपर आएगा और ये जो है बहुत खूबसूरत दिखेगा। और एक चीज बता दूं, मैं जब भी आप ये ग्लिटर वगैरह यूज करना चाहते हो तो छोटे छोटे जो मोल्ड्स होते भी हैं, जिसके क्यूब्स बनते हैं, वो छोटे छोटे मोल्ड्स के ऊपर ये जो है ग्लिटर वाले सोप्स बना लो सोप बेसिस में और उसको मिडल ऑफ में रख दो तो भी उसका गेटअप बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके की भी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से मैंने ये साइड के पोर्शंस में सारा का सारा ग्लिटर लगा चुका हूं। ठीक है, अब ये ग्लिटर मैंने याद रखना है, 4 नंबर का ही ग्लिटर लेना है, काफी पाउडर की तरह होता है, मोटा मोटा ग्लिटर होगा जो दिखने में तो आपको लगेगा लेकिन इसका लुक नहीं आता है सही तरीके से। तो मैं ये सेकंड ग्लिटर जो है उसके लिए मैं दूसरा बता देता हूं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा, जब हम ऊपर से सेकेंड लेयर डालेंगे तब ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। ये जी हाँ, ये सेकेंड प्रोसेस जो है हमारा फिनिश हो चुका है। एक में हमने जो है ड्राई फ्लावर डाले, दो में मैंने आपको ग्लिटर डाल के बताया, बिल्कुल ही सेम टेक्निक से मैंने आपको दो अलग अलग ग्लिटर जो है डाल के मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रोसेस भी सूखने के लिए तो 10 मिनट्स तो लगेगा। ठीक है, तो प्लीज वेट 10 मिनट्स, हम फिर से वापस आते हैं और दिखाता हूं मैं आपको कि थर्ड प्रोसेस में हम कैसे फिनिश करते हैं हमारे सोप बना के। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ही आपका सेकेंड लेयर जो है बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टिक्स के लिए, ये देखो ये पूरा जो है सूख चुका है, ये बिल्कुल ही जो है ये ड्राई हो चुका है। हमने बिल्कुल ही 10 मिनट्स के लिए रखा था, जैसे हमने फर्स्ट प्रोसेस में किया ऐसे ही सेकेंड प्रोसेस में हम जाएंगे और उसको ग्रिपिंग देंगे सबसे पहले, ताकि ऊपर और एक लेयर आवे वो उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो एक साइड से मैं इसको ग्रिप दे रहा हूं तो यहाँ पे लिक्विड अंदर चला जाएगा। मैंने ये मोल्ड को हिलाया नहीं है, मोल्ड को हिलाने से साइड के अंदर से लिक्विड जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको लिक्विड जाने के लिए ये कर देता हूं। अब आप में से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्यों हम ऊपर ग्लिटर और ये सब चीजें डालते हैं। बहुत लोगों की एक शिकायत होती है कि यार हम लोग जो है सोप बनाते ऊपर छाग आ जाती है। कोई बात नहीं, आप उसको छाप को रिमूव मत करो, आप ऐसे कोई ड्राई फ्लावर्स लगा लो या ग्लिटर लगा लो, आपका आगे वाला पोर्शन तो काफी अच्छा दिख ही रहा है, लुक वाइज भी प्रोडक्ट आपका काफी अट्रैक्टिव आगे से तो दिखता है, फिनिशिंग भी आगे से दिखती है, बैक साइड भी फिनिशिंग आपकी जो है बहुत अच्छी दिखेगी, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैंने मेल्ट किया था छोटे से बर्तन में, एल्यूमिनियम का बर्तन में जो भी निकला था मैंने उसको चम्मच से निकाल दिया, ये जो है पूरा जो है क्लीन कर दिया, मैंने चम्मच से निकाल कर रख दिया। तो ऐसे कटोरी में जो है जो भी आपका बचा कुचा है 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम जो है इसके ऊपर चिटक जाता है, तो आप उसको रख लीजिए। जब भी आप चारकोल सोप बनाइए उसमें चारकोल पाउडर सब मिक्स करके उसको चारकोल पाउडर डाल दीजिए और उसका चारकोल सोप बना लीजिए, तो आपका ये सोप भी जो यूटिलाइजेशन हो जाएगा, इवन 1% भी आपका प्रोडक्ट वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग चलते हैं बिल्कुल ही थर्ड प्रोसेस की ओर। मैडम आ जाइए जी, और आप जो है इस सोप्स को आप कट करिए। ये मुझे काटना है जी? बिल्कुल, आप थोड़ा सा लीजिए, अभी थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, इतना सा लीजिए। हाँ, इतना ले लीजिए। ठीक है, अब इसका जो है आप काटिए, क्यूब्स करने मुझे जी। बिल्कुल, आप क्यूब्स करिए छोटे छोटे, दीजिए मेरे को, आप गैस चालू कर दीजिए, थोड़ा सा स्लो रखिएगा। ओके, ये जो है मैं क्यूब्स बना के बता देता हूं आपको। देखिए बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है प्रोडक्ट, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो सोप, जैसे ये फ्लेवरिंग फ्रेग्रेंस वाले जो सोप्स है उसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं उसको इसमें डाल दूंगा। ठीक है,
ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने प्लेन लिया है तो आप उसके अंदर फ्रेग्रेंस ना डालो। फ्रेग्रेंस तो हर किसी को पसंद होता भी है और किसी को नहीं भी होता है, हालांकि मुझे फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं और भी थोड़ा फ्रेग्रेंस जो है 2 ml ले लेता हूं, क्योंकि इसके लिए तो ज्यादा जरूरत भी नहीं है, बस इतना सा थोड़ा सा फ्रेग्रेंस जो है मैंने ले लिया है। अब मैं यहां पे देखिए कि हिलाऊंगा नहीं थोड़ा सा, ये खाली मैं गोल घुमाना नहीं है, गोल घुमाओगे बर्तन में खाना नहीं बनाना है, अपने को सोप बनाना है, तो गोल घुमाओगे तो छागे आ जाएगी, तो वैसे कुछ भी नहीं करना है आपको, तो ये बस रखे रहिए इसको। चार डिफरेंट टाइप के सॉस बन रहे हैं, एक तो आपके सामने बन रहा है ये फ्लावर्स डाल के जो बन रहा है वो, एक जो बन रहा है ग्लिटर वाला, और ये बन रहा है ग्लिटर वाले सॉस आपको बन रहे हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा करके मेल्टिंग चालू है, आप हमारी वेबसाइट्स पे जाके, आप leelaherbal.com आप जाके वहां पे सारे प्रोडक्ट्स और सोप बेस आप चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएंगी, ड्राई फ्लावर्स मिल जाएंगे, फ्रेग्रेंसेस में लगभग 70-80 वेराइटीज है, हर एक के बजट्स में है, आप जो है वेबसाइट जा सकते हो। इवन आपको अगर जो कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, जिसकी बल्क क्वांटिटी में जो बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो आपको बल्क क्वांटिटीज के रेट्स हमारे अलग है तो उसको भी बताया जाए। अब देखिए ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट जो है सोप्स जो है ये रोज कवर कर दे रहा है, आप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल ही कवर कर दिया उसने, अब अंदर से जो है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। अब ये ग्लिटर जो है मैंने कवर कर चुका हूं मैं, ठीक है, ये सेकेंड लेयर, और ये हमारे थर्ड लेयर की ओर जाएंगे। अब ये एक पोर्शन बाकी था, जहां पे एक चीज याद रखना है दोस्तों, तुम्हें जब भी ये पोर करना हो तो एक ही जगह पे पोर नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हिलाते जाना है, नहीं तो खड्डा कर दोगे आप उधर ही, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आपको हिलाते जाना है, ठीक है। मैंने इसके अंदर फ्रेग्रेंस जो है, बातों बातों में थोड़ा सा भूल गया था मैं, अभी फ्रेग्रेंस जो है अंदर डालना चाहिए था, हालांकि नहीं मैं डाल पाया, तो मैं अभी ऊपर से ये फ्रेग्रेंस डाल दिया हूं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसिंग है बिल्कुल ही आसान तरीके से बन चुका है, फ्रेग्रेंसेस थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, तो इस तरीके से मैंने ऊपर से फ्रेग्रेंसेस मिला दिया है। ये ड्राई जो फ्लावर्स होते हैं आप देखोगे कि थोड़ा सा हीट प्रोसेस होने की वजह से थोड़े से जो है ब्लैकिश हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, नेचुरल चीजें हैं, हम कोई भी चीज किसी के ऊपर भी डालते हैं तो थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट्स हो जाता है। तो हमें जो है अभी करना है जो क्रिएटिविटी वो हम कर चुके हैं, अब जब इसको पैक करोगे ना आप तो एक नेचुरल लुक जो है ना उसको देगा ये चीज, बस छोड़ देना है और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो है नेचुरल लुक जो है आपके सामने आ चुका है, अब हम जो है इस सोप्स को जो है सूखने दे देंगे, और 10 मिनट्स के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये सोप किस तरीके से रेडी हुआ है, और बिल्कुल ही 40 मिनट्स के बाद ये जो है यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा, पैक करके इसको पैकेजिंग करके सेलिंग के लिए आप रख सकते हो। आप जो है ऐसे ही सारी टिप्स देखने के लिए आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कुछ सीखना है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, क्या आप सीखना चाहते हो, क्या डिफिकल्टीज आ रही है आपको सोप बनाने के लिए। कोई लोग जो है नया बिजनेस शुरू करते हैं, बेझिझक होकर आप बिजनेस शुरू करिए, इसमें स्कोप काफी अच्छा है, घर बैठे जो है आप बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस कर सकते हो। यकीन करिए जो लोगों ने 1 kg से 2 kg से शुरू किया था वो आज वीकली 1000 kg ले रहे, 1 ton का जो है प्रोडक्शन कंजप्शन कर रहे हैं, वो लोग घर पे बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग 100 kg ले रहे हैं प्रोडक्ट्स और लेके बना रहे हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। नॉर्मल शॉप से ये शॉप थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, हालांकि ये ऑर्गेनिक चीज है, थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर पड़ता है, लेकिन फास्ट मूविंग आइटम है, देखने में अट्रैक्टिव है और स्किन इफेक्टिव है, स्किन फ्रेंडली है। तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि प्लीज
आप भी जो है इस तरीके से होममेड सोप बना के यूटिलाइजेशन करिए। वेट करिए 10 मिनट, देखते हैं किस तरीके से सोप बनते हैं। अभी अभी आपने देखा कि हमने 3 लेयर सोप्स के जो है प्रोसेस जो है पूरे कर दिए हैं, हमने पूरा 3 लेयर सोप बना लिया है। अब बारी है सोप को बाहर निकालने की, मोल्ड को अनमोल्ड करने की बारी है। तो देखते हैं ये सोप अनमोल्ड कैसे होते हैं। आ जाइए इधर। तो ये जो है सोप्स मैंने बिल्कुल ही निकाले नहीं है, बिल्कुल ही आपके सामने मैं फ्रेश बता रहा हूं ये किस तरीके से जो है सोप्स बने हुए हैं। अब मैं इसको वन बाय वन मैं उसको ये सोप्स को निकालूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा ये सोप्स कैसे दिखते हैं। सबसे पहले तो ये जो आप सोप देखिए कि इसका जो है लुक फर्स्ट सोप्स का, और ये बैक साइड का लुक, आप जब इसको श्रिंक में रैपरिंग करोगे आप तो इसका लुक बिल्कुल ही एक ऑर्गेनिक आता होगा। और ये सोप बिल्कुल ही जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी में ये जो है सोप बन के जो है बाहर आएंगे। अब ये फर्स्ट सोप्स मैंने निकाल लिया है, और मैं एक चीज बता दूं, आपकी सोप बेस जो है अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, नहीं तो ये हार्ड नहीं बनेंगे, स्वेटिंग आएंगे। तो इसके लिए एक अच्छे क्वालिटी के सोप्स होना बहुत जरूरी है। ये सेकेंड जो है क्रिएटिविटी, मैंने खाली जो है इसको 4 अलग अलग टाइप से बनाया था। एक ये आप देख सकते हो, एक बहुत ही यूनिक सोप बनाया है, क्योंकि हमने इसके ऊपर खाली जो रोज दिख रहा है उसके ऊपर ही हमने रेडिश कलर दिया था। तो ये बैक साइड जो है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, और ये जो है बिल्कुल ही जो है डबल लेयर दे दिया है। तो ये भी जो है सोप जो है गोट मिल्क का यूज किया, ऊपर ये ट्रांसपेरेंट का यूज किया है। हालांकि फ्रेग्रेंस मैंने डाली है तो फ्रेग्रेंस की खुशबू तो डेफिनेटली आ रही है। तो ये बिल्कुल ही हटके है, ये पहला जो है आपको मैंने रोज बताया, तो ये रोज का लुक दिया है। अब हम देखेंगे थर्ड सोप्स जो है, ग्लिटर डाल के बनाए हुए सोप्स थे, ये 3 लेयर्स के सोप्स है। ये देखिए ये 3 लेयर के जो सोप्स है, जिसमें बीच का पोर्शन को एक हल्का सा व्हाइट एंड जो है रेड का कॉम्बिनेशन मिल गया था, ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो है ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो है कर करा के जो है तकरीबन आपका 12 रुपए का खर्चा होगा, 12 रुपीज के आसपास का। इसको इजीली जो है 40-45 रुपीज में आप सेल आउट कर सकते हो, अगर जो उसको अच्छी पैकिंग करना चाहते हो तो पहले तो श्रिंक रैप जो है उससे आप श्रिंक रैप कर लीजिए और उसको अच्छे तरीके से पैक करके, खाली श्रिंक रैप वाला भी जो है आप सेल आउट कर सकते हो। अगर जो बॉक्स लेना चाहते हो तो श्रिंक रैप करने के बाद में अंदर बॉक्स भी डाल सकते हो। इसके बॉक्स भी जो है ऑर्गेनिक टाइप्स के होने चाहिए, जैसे ब्राउन कलर्स के हो गए, और जैसे कि कुछ आप इसके ऊपर स्टिकर मारना चाहते हो तो स्टिकर मार सकते हो बॉक्स के ऊपर जो सोप्स आप बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये थर्ड सोप्स हमने देख लिया है, ये 3 लेयर का। ये ग्लिटर का मैं आपको बता दूं, तो ये ग्लिटर का भी जो है बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन आया। एक चीज आपने मार्क की, यहाँ का कलर यहाँ पे स्प्रेड नहीं हुआ है, लेयरिंग नहीं आई है, क्योंकि हमने मोल्ड को हिलाया नहीं था बिल्कुल भी, तो इस हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तीसरा सोप बन के रेडी हो चुका है, और ये जो है लास्ट में आखिर में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि सिमिलर टाइप है, लेकिन आप देखिए इस टाइप के सोप्स, इसको ग्रिपिंग दे दिए, हालांकि ये जो है पार्टिकल्स जो है तीनों निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी ग्रिप दे चुके हैं। तो इस टाइप से जो है आप जो है घर बैठे जो है सोप जो है बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। इसमें ना ही आपको डबल बॉयलर की जरूरत है, हमारे सोप बेस में बिल्कुल भी डबल बॉयलर की जरूरत नहीं रहती है। सोप बन के बिल्कुल ही सॉलिड बाहर आता है, उसकी छाक भी भरपूर आएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और बिल्कुल ही इस तरीके का बर्तन आप ले लीजिए एल्यूमिनियम का, जिसको ज्यादा प्रोडक्शन करना है वो बड़ा बर्तन ले सकते हो, बड़ा ये लेके कंटेनर लेके आप उसके अंदर जो है सोप बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप्स अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पे यूट्यूबर नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर्स नहीं हूँ, ना ही मैं उससे कोई अर्न करता हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और कमाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।